दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज हम बताएंगे, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, बरसात का मौसम अब शुरू हो गया है। और बरसात शुरू होने के बाद कुछ ज़रूरी काम हमें अपने गार्डन में करने होते हैं, तो वो सारे जो जानकारी है आज इस वीडियो में हम आपको देंगे और बताएंगे कि क्या ज़रूरी ऐसे काम हैं जो आप बरसात में आप अपने गार्डन में कर सकते हैं और अपने गार्डन को अच्छा और हरा भरा रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो काम हमने करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़रूरी काम और जो आप कर सकते हैं बरसात में, वो ये है कि आप नई नई कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। और ये कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। इस मौसम में आप कटिंग लगाएंगे तो वो ज़रूर ही आपकी नया उसका पौधा बन पाएगा। तो आसानी से आप नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं और आप अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे नए फ्री में ही ऐड कर सकते हैं। तो मेरी भी आप देख सकते हैं, मैंने ये कटिंग से ग्रो किया है। ये कोलियस है, ये देखिए, और इसकी कटिंग लगभग अब सक्सेस हो गई है, ये चल भी गई है, आप ग्रोथ देख सकते हैं इसमें। साथ में ही मेरी दोनों तरह की एक वेरीगेटेड कनेर है, ये साथ में एक रेड कलर की जो कनेर होती है वो है, ये येलो कलर की कनेर है और ये रेड कलर की कनेर है, इनकी कटिंग है। और साथ में ही उसके बाद मैंने ये कटिंग लगाई थी, ये नॉर्मल जो कनेर होता है हमारा, उसकी ये कटिंग्स मैंने ग्रो किए हैं। तो पहला काम तो ये है कि आप आसानी से कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और ये मैंने एक और ये कटिंग है, ये वाइन होती है, गोल्डन जो वाइन होती है उसकी कटिंग है, ये मैंने लगाई थी और आप देख सकते हैं इसमें भी ग्रोथ चल गई है। तो इस मौसम में आसानी से कोई भी कटिंग, जो कटिंग वाले पौधे होते हैं उनको आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि अगर आपने अपने पौधों में मल्चिंग की हुई है, या फिर आपके पौधों में अगर अननेसेसरी की लीव्स जो पड़ी हुई हैं, ये देखिए इस तरह से, जैसे गुलाब के पौधे में ये लीव्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं गमले के, तो इनको आप हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये लीव्स नहीं हटाएंगे तो ये फंगस आपके पौधे में लग सकती है। तो फंगस से बचाने के लिए बरसात के मौसम में आपको इनको अपने पॉट से निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है गमले को और पौधे को अच्छा रखने के लिए। इससे क्या होगा कि आपके जो पौधा है उसको एक तो हवा मिलेगी और साथ ही जो लीव्स हैं, ये अनवांटेड लीव्स जो इसमें पड़ी हुई हैं, इनको साफ करने के बाद फंगस का भी खतरा नहीं रहेगा। जो है वो ये है कि आप किसी भी पौधे की हार्ड प्रूनिंग इस मंथ में कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि इस समय हार्ड प्रूनिंग या प्रूनिंग करने से जो आपका पौधा है उसमें नई नई ब्रांचेज निकलेंगी और नई नई ग्रोथ उसमें आएगी, तो इस समय पे पौधा सूखने का जो खतरा है वो कम रहता है। तो आप अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं अपने पौधों की। तो इस तरह से आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं और नई शेप आप अपने पौधे को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि नई ब्रांचेज इसमें आएंगी, नई ग्रोथ आएगी, उसके बाद फ्लावरिंग या फ्रूटिंग अच्छे से, जो फ्रूटिंग वाला पौधा है उसमें फ्रूटिंग अच्छे से आएगी और फ्लावरिंग वाला है तो फ्लावरिंग अच्छे से आएगी। तो एक ये काम जरूर, प्रूनिंग करते समय एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो गुलाब के पौधे हैं उनकी प्रूनिंग हमें अभी नहीं करनी है, क्योंकि प्रूनिंग आप बरसात के बाद करिए, या फिर बरसात से ज़्यादा सही रहेगा कि आप फरवरी में जब नौरस आती है तो उस टाइम पे आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो बाकी और सारे जितने भी पौधे हैं उनकी प्रूनिंग आप आसानी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है मेरा फाइकस का पेड़, लगभग ये 3 साल पुराना पेड़ है, ये देखिए। मैं इसको बोनसाई के लिए ग्रो कर रहा हूँ और अभी कुछ दिनों में मेरी वीडियो आने वाली है, इसको बोनसाई के पॉट में मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। तो बहुत ही जल्दी इसकी वीडियो मेरे चैनल पर
आपको मिलने वाली है। जरूरी था इसके बाद आप जो आपके फ्रूटिंग वाले पौधे हैं जिन पर अभी फ्लावरिंग आ रही है या फिर फ्रूटिंग आ रही है उनको आप इंस्टेंट रिलीज फर्टिलाइज़र आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र देंगे जैसे गोबर की खाद हो गई तो उससे क्या होगा कि बरसात का जो पानी, अभी बरसात चालू है तो बरसात के पानी में वो सारा फर्टिलाइज़र नीचे धीरे धीरे बहकर निकल जाएगा, तो उसका कोई प्रयोग इस पौधे में नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो इंस्टेंट रिलीफ फर्टिलाइज़र है, वैसे मैं तो आपको अपनी पर्सनली बताऊं, मैं अपने गार्डन में किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करता हूं, और मोस्टली केमिकल फर्टिलाइज़र ही ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो इंस्टेंट काम करते हैं। बाकी जैविक जितने भी फर्टिलाइज़र आप लेंगे वो सारे स्लो ही रिलीज होते हैं। तो अगर आप अपनी गार्डन में केमिकल फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो आप इस समय में अपने पौधे की ग्रोथ के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं प्रीफर नहीं करूँगा, बाकी आप कर सकते हैं ये भी। तो मैं तो नॉर्मली अपने जो पौधे हैं उनमें गाय के गोबर की खाद देता हूँ, या फिर नीम खली हो गई, या फिर जो अपनी केचुए की खाद है वर्मी कंपोस्ट, वो भी अच्छा काम करती है, तो वो भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और है कि आप जो फर्टिलाइज़र इस समय में दे रहे हैं बरसात के मौसम में, वो पानी में घोलकर ना दें, उनको सूखे ऊपर मिट्टी में आप डाल दें, जिससे कि अगर बरसात होगी तो बरसात के पानी में ये धीरे धीरे इसमें रिलीज हो जाएगा और पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो घोलने के बाद देंगे तो इसमें क्या है, पानी बरसात हो रही है तो वैसे भी इतना पानी बना रहता है तो मिट्टी जो है वो गीली ही रहती है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप जो खाद दें उसको आप पीस कर या पाउडर फॉर्म में आप ऊपर से डाल दें, और उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी जो है अपनी वो गुड़ाई कर दें ऐसे हल्की हल्की सी इसकी, जैसे भी आपको देखे कि आज बारिश वारिश नहीं हो रही है, एक दो दिन अभी लगेगा ऐसा, तो आप हल्की सी गुड़ाई करके और इसमें खाद ये दे सकते हैं सूखा। जो आपके अडेनियम्स है या सेकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, उन सबको बरसात में आपको ज़्यादा पानी से बचाना होता है, तो उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कि आप इनको शेडी एरिया में आप रख दीजिए, इससे क्या होगा कि बरसात का पानी बिल्कुल भी इनके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई शेडी एरिया नहीं है तो आप इनको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कोई बारिश का पानी हल्का सा इनके ऊपर आए, या फिर कोई ऐसा थोड़ा सा जैसे ग्रिल के पास आप रख सकते हैं, या फिर अपने किसी स्टैंड के नीचे रख सकते हैं। जैसे हमारे ये स्टैंड है, ये देखिए, अगर आपके पास ऐसे स्टैंड है और ऊपर गमले लगे हुए हैं तो उनके नीचे भी आप इनको रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि बरसात का पानी इनमें कम लगेगा। और एक चीज़ और करनी है हमें कि जितने भी हमारे सेकुलेंट्स हैं या फिर कैक्टस हैं या फिर और इस तरह की फैमिली के जितने भी पौधे हैं, उन सब में आपको बरसात में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये फंगिसाइड पाउडर है। आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन में, या फिर जिस तरह का भी आपको अच्छा लगता हो, केमिकल हो या फिर जैविक हो, तो मेरे पास तो जैविक है ये, तो फंगिसाइड पाउडर आप थोड़ा थोड़ा हर गमले में आप ऊपर से डाल सकते हैं, ऐसे हल्का हल्का सा, और डाल करके मिट्टी को हल्की सी ढीली कर दें, तो जैसे ही बरसात होगी तो ये हल्का नीचे जाएगा और जो जड़ें हैं उनको कोई पानी से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यही सारी जानकारी मैं आपको आज देना चाहता था। तो अब वैसे तो जो बरसात का पानी है उसमें नाइट्रोजन काफ़ी होती है, तो इस नाइट्रोजन काफ़ी होने के कारण पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह से पौधों में लगता है और ग्रोथ बहुत अच्छी बनी रहती है। लेकिन कुछ ख़ास ख्याल हम अपने गार्डन का रखते हैं
और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस तरह से आप अपने गार्डन का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं और आपके पौधे जो हैं वो ग्रोथ ऐसे ही अच्छी बनी रहेगी। तो मेरा आपको सुझाव था, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।